पॉवर्टी इज़ ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट और अ प्रॉब्लम, और एक सोसाइटी में अगर पॉवर्टी का इशू होता है तो उसकी वजह से बहुत से ऐसे दूसरे मसाइल भी होते हैं जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं और नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं. स्टडीज़ और रिसर्चेस जो हैं वो ये साबित करती हैं कि पॉवर्टी की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसमें सोशल प्रॉब्लम्स भी उसकी वजह से एग्जिस्ट करती हैं. किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कल्चरल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, और इस वजह से इसको एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम या इशू जो है वो कंसिडर किया जाता है किसी भी सोसाइटी और स्टेट का. अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखें या इसको डिफाइन करें इन सिंपल टर्म्स, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टेट इन विच पीपल लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड असेंशियल्स फॉर मेंटेनिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो एक बहुत आसान और सादा सी जो एक डेफिनेशन है वो पॉवर्टी की, वो ये हो सकती है जिसमें लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज या वो असेंशियल्स जिससे एक वो नॉर्मल या बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन ना कर सकें, वो एक पॉवर्टी की सिचुएशन या स्टेट होती है जिसकी वजह से सोसाइटी में और बहुत से मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं और सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं. देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. सो हम उन स्टेट्स को या उन सोसाइटीज़ को अगर स्टडी करें जिसमें पॉवर्टी जो है वो बहुत मेजर इशू है, तो हमें यह पता चलता है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट कॉज करते हैं. और गवर्नेंस जो है वो भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो क्रिएट होती है या सोसाइटी में जो है वो इंक्रीज होती है, और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पॉवर्टी के ऊपर होता है. और थ्रेटिकली या बहुत सी ऐसी थेरीज जो हैं या कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड्स जो हैं वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं, इस अजम्पशन को जिसके तहत ये प्रेमिस दिया जाता है कि गवर्नेंस का डायरेक्ट इफेक्ट होता है या डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी के ऊपर या पॉवर्टी के बढ़ाने में. अगर गवर्नेंस किसी भी मुल्क में अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम है वो हमें पॉवर्टी की शक्ल में नज़र आएगा, और वाइस वर्सा अगर गवर्नेंस उस मुल्क में अच्छी होगी, बेहतर होगी, गुड गवर्नेंस होगी, तो पॉवर्टी रिडक्शन में वो मदद देगी. ये एक थ्रेटिकल बैकग्राउंड है जिसकी बेसिस के ऊपर रिसर्चर्स और स्कॉलर्स जो हैं वो ये अज्यूम करते हैं और इस चीज़ को स्टेट करते हैं और इस प्रेमिस को जो है वो डेवलप करते हैं. बट प्रैक्टिकली द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नेंस पॉवर्टी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और बहुत सी ऐसी एम्पेरिकल स्टडीज़ और जो कि डिफरेंट रीजन्स में हुई हैं जहाँ पर जो पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज थे और उनकी जो बेसिक मसाइल थे सोसाइटी के वो पॉवर्टी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते थे. सो उनकी अगर हम स्टडीज़ और केस स्टडीज़ देखें जो डिफरेंट रीजन्स की हैं और एम्पेरिकल टेस्टिंग जब उसके ऊपर रिसर्चर्स ने की, तो सिचुएशन प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट है और वो थेरी को अपोज करती है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना जिसमें थ्रेटिकल ग्राउंड जो है वो एक प्रेमिस देता है और हमें ये बहुत स्ट्रांगली जो है वो अजम्पशन इसकी मिलती है लिटरेचर में, जिसके तहत गवर्नेंस जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट रखती है या उसका एक सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है पॉवर्टी के साथ. लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रियल वर्ल्ड में हम इसको स्टडी करें और इसका एनालिसिस करें मुख्तलिफ रीजन्स में, तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है और एम्पेरिकल स्टडीज़ इस चीज़ को, इस अजम्पशन को या इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती हैं. सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटीज़ हैव एस्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ. अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि पॉवर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वैसे बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पर पॉवर्टी का मसला है, उनके मुताबिक गवर्नेंस जो है वो एक प्री रिक्विजिट है फॉर इम्प्रूविंग द सिचुएशन इन द कंट्री एंड फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी. और इस चीज़ को वो बहुत एम्फेसाइज करते हैं, इस पे बहुत फोकस करते हैं, और ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं या इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडाज हैं जो कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की तरफ से पॉवर्टी रिडन एरियाज़ में हमें मिलते हैं, और उसमें ये ग्राउंड बनाया जाता है या ये लोनिंग कंडीशनैलिटी होती है कि अगर उस मुल्क में गवर्नेंस बेहतर होगी तो वहाँ पर लोन जो है या उधर फाइनेंशियल एड्स जो हैं वो दी जाएंगी. सो इसके मुताबिक वी कैन कंक्लूड दिस फैक्ट दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांगली सपोर्ट दिस अजम्पशन और हाइपोथेसिस दैट गवर्नेंस contributes positively for poverty reduction in any area.
बट रीजनल केस स्टडीज शो डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल डेटा एनालिसिस. जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऐसी बहुत सी रीजनल स्टडीज हमें मिलती हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में हुई हुई हैं, जो लो इनकम कंट्रीज थे, जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग इकानमीज हैं, उनके मुताबिक जो ये एजम्पशन है वो रिजेक्ट होती है. और हमें एम्पेरिकल टेस्टिंग से ये पता चलता है कि पॉवर्टी गवर्नेंस का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है या कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पॉवर्टी के ऊपर हमें नज़र नहीं आता. According to Kwan and Kim, they have conducted a research study in 2014 and they have concluded the situation is very different in different income level countries. In dono researchers ne bahut extensive research ki hai is particular assumption ko test karne ke liye, aur unhone ye check kiya hai ki governance ka kitna impact aur kitna significant impact jo hai wo poverty reduction ke liye nazar aata hai. लेकिन उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत डाइवर्स किस्म के हैं. और उसमें जो मेजर कंक्लूजन है वो ये है कि इनकम लेवल जो है वो कंट्री का वो डिसाइड करता है कि गवर्नेंस कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है पॉवर्टी रिडक्शन में. सो गवर्नेंस का कोई डायरेक्ट और या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पॉवर्टी रिडक्शन में हमें नज़र नहीं आता ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पेरिकल टेस्टिंग और द रिसर्चेस विच हैव बीन कंडक्टेड इन न्यूमरस टेरिटरीज और लोकेशंस. और उसकी बेसिस के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कॉज करता है वो इनकम लेवल होता है किसी भी मुल्क का, जिसकी बेसिस पे गवर्नेंस जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है पॉवर्टी रिडक्शन में या कॉन्ट्रीब्यूट करती है या नहीं करती. सो इनकी स्टडी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है. According to their research, low-income countries show insignificant relationship between both empirically. So, unki jo empirical testing thi aur unhone panel series data ke upar ye sara analysis kiya mukhtalif mulkon ka aur isme 90 countries ko jo hai wo shamil kiya gaya aur uske upar ye study conduct ki gayi aur uski basis pe jab unhone statistical analysis kiya in mulkon ka to ye sabit hua ki jo low-income countries hain wahan pe governance ka koi role nahi है इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी या इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर. ऑन द अदर हैंड मिडिल इनकम कंट्रीज शो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड गवर्नेंस. सो लिटरेचर या जो थेरी है वो हमें जो एजम्पशन देती है वो अगर प्रूव होती है तो वो मिडिल इनकम कंट्रीज में होती है जहाँ पे इनकम लेवल बेहतर है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी बेहतर है, वहाँ पे गवर्नेंस जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है फॉर पॉवर्टी रिडक्शन. बट प्रैक्टिकली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिडरेशन के लिए वो ये है कि पुअर कंट्रीज में ही पॉवर्टी रिडक्शन का इशू है और उसको जो है वो मेन एजेंडा के तौर पे गवर्नमेंट्स डील करती हैं. सो डेफिनेटली वहां पे रिफॉर्म्स की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू मिडिल इनकम कंट्रीज. सो जहां पे प्रायोरिटी के ऊपर पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहिए या करने की जरूरत है वहां पर गवर्नेंस का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं नजर आता ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी. सो दे हैव कंक्लूडेड दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट्स डिफरेंस इन द रिलेशनशिप. जितनी किसी भी मुल्क में डेवलपमेंट बेहतर होगी वहां पर गवर्नेंस जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इन पॉवर्टी रिडक्शन या कॉन्ट्रीब्यूट करेगी पॉवर्टी रिडक्शन में. जहां लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत मिनिमम है, लो इनकम कंट्रीज हैं, वहां पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हमें इसका नजर नहीं आता. इसके अलावा लिटरेचर में एक और आर्ग्यूमेंट भी मिलता है जो इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को या एसोसिएशन को डिफाइन करता है और वो एक और प्रेमिस या एजम्पशन है जिसके मुताबिक poverty is an obstacle in good governance. According to Tayyab Hassan, he has stated this particular assumption in 2002 in his research study. Aur ye particularly jo hai is bahut se literature ki basis ke upar aur case studies ki basis ke upar unhone ye conclude kiya ya assume kiya aur is hypothesis ko diya ki basically poverty jo hai wo hindrance create karti hai good governance ke liye. और इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये है कि गवर्नेंस एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और इस वजह से जो उसकी बहुत सी मुख्तलिफ जो अशकाल हैं या बहुत सी डायमेंशनस हैं जिसमें पॉलिटिकल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, इकोनॉमिक भी है, उन सब के लिए या उन सबको डील करने के लिए मशीनरी की भी ज़रूरत होती है, रिसोर्स की भी ज़रूरत होती है. जबकि लो इनकम कंट्रीज़ में या लो डिवेलपमेंट एरियाज़ में ये रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से वहाँ गवर्नेंस को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता और पॉवर्टी इसी वजह से जो है
वो पॉवर्टी हमें वहाँ पर ज़्यादा नज़र आती है. सो ये वो आर्ग्यूमेंट है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है और ये बताता है कि पॉवर्टी इट्सेल्फ एक हिंड्रेंस है फॉर अचीविंग अ लेवल ऑफ गुड गवर्नेंस इन एनी कंट्री. सो ये मुख्तलिफ एजम्पशंस या हाइपोथेसिस हैं जो हमें थ्योरी में मिलते हैं और थ्रेटिकली या कंसेप्चुअली उनकी बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड्स दी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन कॉन्स्ट्रक्ट्स और थ्योरीज. लेकिन प्रैक्टिकली जब इन चीज़ों को एम्पेरिकल डेटा के ऊपर टेस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस तो बिल्कुल हमें रिवर्स सिचुएशंस मुख्तलिफ मुल्कों में नज़र आती हैं. दैट्स वाई इट हैज़ बीन कंक्लूडेड दैट देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नेंस एंड पॉवर्टी और इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं. इनका कोई डायरेक्ट एसोसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं है या है ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट है. और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट रीजन्स की वजह से, डिफरेंट कंट्रीज की वजह से कॉन्टेक्चुअली इनके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करके इनके रिलेशनशिप को या तो डिफाइन करते हैं या उसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करते हैं.